आज हम बात करेंगे अल्ट्राटेक 7 के बारे में और पूरी कोशिश करेंगे अल्ट्राटेक 7 का बिजनेस मॉडल समझने की और अल्ट्राटेक 7 का आगे के इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हो सकता है और अभी करंट सिचुएशन क्या है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम बात करें इंडस्ट्री एनालिसिस की सबसे पहले, तो जिस तरीके से सीमेंट का ग्रोथ है वो कंटिन्यू एक गवर्नमेंट भी एनालिसिस करने की कोशिश करती है कि ग्रोथ आप सीमेंट के कंजम्पशन से कंट्री के ग्रोथ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है कि जिस तरीके से अगर कंजम्पशन होगा सीमेंट का, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं मतलब, तो फिर इट्स ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर हम बात करें कि सीमेंट बनता कैसे है, तो सबसे पहले तो सीमेंट में मोस्ट ऑफ लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी क्ले और सैंड रेत को मिक्स किया जाता है और उसको 1450 सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और इस तरीके से सीमेंट को बनाया जाता है। हम लोगों ने पहले ये समझने की कोशिश की कि सीमेंट जो प्रोडक्ट है वो बनता कैसे है। ये तीन चीज़ों से सीमेंट बनता है और ये जो तीन चीज़ें हैं, सैंड तो इजीली अवेलेबल है, मगर जो लाइमस्टोन है, जो चूना पत्थर है और जो चिकनी मिट्टी है उसकी माइनिंग की जाती है और गवर्नमेंट इसकी लाइसेंस देती है माइनिंग के लिए। तो ऑलरेडी अल्ट्राटेक सीमेंट के पास भी माइनिंग के लाइसेंस है ऑलरेडी और उनको अभी ऐसे 11 माइनिंग पे उनको अच्छे रेटिंग भी मिली थी कि उन्होंने जो माइनिंग किया है उसे एनवायरमेंट को भी बहुत मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं है और वो प्रॉपरली गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से माइनिंग कर रहे हैं। तो दिस इज़ द वेरी गुड थिंग कंपनी के फेवर में है कि अगर वो माइनिंग प्रॉपरली कर रहे हैं और 32 ईयर्स के लिए उनके पास माइनिंग के जो वो पड़े हैं लाइसेंस पड़े हैं। तो एक तो आप ये चेक कर सकते हैं कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट जो भी कंजम्पशन करेगी मतलब बनाने के लिए सीमेंट, तो ऑलरेडी उनके पास उसका सप्लाई का भी एक सोर्स है, मतलब उनको किसी पे डिपेंड नहीं होना है अपने रॉ मटेरियल के लिए। रॉ मटेरियल वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद माइन करते हैं। अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन को 4% मतलब 4% की इफिशेंसी हासिल की थी कि उन्होंने अपने कॉस्ट को 4% कम कर लिया है। आप 4% अगर आप देखें तो आपको भले ही ऐसा लगे कि बहुत कम होता है, मगर आप बड़े वॉल्यूम में देखें, अगर उन्होंने 100 रुपीज पे 4 रुपया कम किया है तो उनका जो लास्ट सेल है वो टोटल 40,000 करोड़ का है। अगर 40,000 करोड़ का अगर आप 4% देखें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना छोटा सा एक इनिशिएटिव लेके कितने पैसे बचाए हैं अपने। ये तो बात हो गया कि सीमेंट बनता कैसे है। अगर हम बात करें कि सीमेंट का जो यूज है, अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सीमेंट यूज है वो हाउस होल्ड में होता है। अभी के टाइम 65% जो सीमेंट यूज होता है वो हाउस होल्ड में होता है, मतलब बिल्डिंग और घर बनाने के लिए, और बाकी के डैम, पोर्ट, रोड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए, बाकी सब चीज़ के लिए सीमेंट का यूज़ होता है। अगर हम अभी की बात करें करंट सिचुएशन में, तो 65% यूज़ हो रहा है हाउस होल्ड में। अगर हम ग्रोथ की बात करें सीमेंट सेक्टर की, तो अभी का जो कंजम्पशन है इंडिया का वो बहुत ही मतलब देखें तो 328 बिलियन मेट्रिक टन का अभी कंजम्पशन है और गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्शन है कि सीमेंट का जो कंजम्पशन है वो 2025 तक, 2025 तक ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, मतलब 600 बिलियन मेट्रिक टन माइट भी हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है। बिकॉज कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं स्मार्ट सिटी का और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि 1,25,000 किलोमीटर का वो रोड डेवलप करेंगे, मतलब हाईवे डेवलप करेंगे, तो उसमें कंस्ट्रक्शन में सीमेंट लगने वाला है। बाद में जो एफोर्डेबल हाउसिंग है उस पर जो गवर्नमेंट का फोकस है कि वहाँ पे सबके लिए घर हो, तो एक वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अगर हम देखें गवर्नमेंट ने अपनी एक पॉलिसी और चेंज की है कि जो पहले डामर के रोड बनाते थे वो उन्होंने पॉलिसी चेंज की है कि अभी वो सीमेंट से रोड बनाएंगे, तो जिसकी वजह से सीमेंट के रोड बनाने की वजह से उनका कॉस्ट भी कम होगा और जो उसकी लाइफ है रोड की वो भी ज़्यादा होगी। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स ये सब हैं, तो जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि सीमेंट का कंजम्पशन आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा। अगर हम बात करें, ये तो हमने एक बात की सीमेंट बनता कैसे है, सीमेंट का कंजम्पशन का आगे ग्रोथ क्या है। अगर सीमेंट देखें तो हम लोग 6.83% से कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है इंडिया में, हर साल 6.83% कंजम्पशन बढ़ रहा है। अगर प्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो प्रोडक्शन 4.22% के ग्रोथ से बढ़ रहा है, मतलब जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है और जो प्रोडक्शन है उसका जो बढ़ने का तरीका है वो कम है। अगर हम लोग अब बात, हमने तो एक बात की सबसे पहले कि सीमेंट बनता कैसे है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, और अल्ट्राटेक सीमेंट की डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है, रॉ मटेरियल वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी बात हमने की इंडस्ट्री की कि इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो हो रही है और गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है जिसके वजह से सीमेंट सेक्टर को टोटली फायदा मिलेगा।
अभी हम लोग अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो जो मार्केट शेयर है अल्ट्राटेक सीमेंट के पास वो है 21.6% का। मतलब अगर 100 रुपए का सीमेंट बिकता है तो 21.60 रुपए का सीमेंट अल्ट्राटेक का बिकता है। उसका दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो है एसीसी सीमेंट, जिसका मार्केट कैप है 6.2%। मतलब अगर कोई 100 रुपए का सीमेंट लेता है तो 6 रुपया 20 पैसे का सीमेंट एसीसी का जाता है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है अगर इनके कॉम्पिटिशन के उसके अंदर देखें। अगर हम बात करें तो जो गुजरात प्लांट है अल्ट्राटेक सीमेंट का, वहां पे उन्होंने जो यूज करना है उनको फ्यूल के जगह पे उन्होंने रबड़ का यूज किया है, मतलब गर्म करने के लिए जो भी उनके रॉ मटेरियल है, तो उससे जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी उनकी कम हुई है। और आगे आने वाले टाइम में भी वो अलग 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 अपने प्लांट में ये यूज कर सकते हैं। 39 सिटीज में अभी एक्टिव है अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम बात करें, 39 सिटीज में एक्टिव है। श्रीलंका में भी उनका प्लांट है, यूएई में भी उनका प्लांट है, बहरेन में भी उनका प्लांट है, अलग अलग जगह अलग अलग उनके प्रोडक्शन हाउस है। इंडिया में भी अलग अलग, अगर हम लोग बात करें इंडिया में, तो जो उनका डीलर नेटवर्क है वो है 29,709। अभी उनके डीलर नेटवर्क रिटेल, अगर उनका नेटवर्क बोलते 66,205 के रिटेल नेटवर्क है। अगर एम्प्लॉई बोले तो 22,000 एम्प्लॉई है उनके, जो मतलब परमानेंट एम्प्लॉई है। इस तरह से हमने बात कर दी अल्ट्राटेक सीमेंट की। अगर हम लोग आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने क्या कर रहा है, हम देखते हैं आगे। हम अल्ट्राटेक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं इजीली। मार्केट कैप अगर हम देखें तो 1,39,000 करोड़ है अभी। करंट मार्केट प्राइस है 4,834 रुपीज़। स्टॉक पी, जो आज का पी है वो है 22.2। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.4%। प्लेज, प्रमोटर प्लेज होल्डिंग 0 है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 60% है, मगर हम लोग आगे अगर प्रमोटर होल्डिंग में देखें तो 59% है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। सेल्स का अगर ग्रोथ देखें तो -10% हुआ है। सेल्स अगर देखें तो 39,000 करोड़ का हुआ है। प्राइस टू अर्निंग 22 है। डेटर्स डे, मतलब 19 दिन का क्रेडिट देता है अल्ट्राटेक सीमेंट अगर अपने डेटर्स को। अर्निंग पर शेयर हम देखें तो 207 रुपये है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो 89.7% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये है कंपनी की। अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.51% है। मतलब अगर 1:1 एक फेवरेबल माना जाता है कि 1:1 हम देख सकते हैं कि ठीक है, मतलब इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डेट टू इक्विटी रेशियो भी हम जस्टिफाई है। डेप अगर देखें कंपनी में जो कर्ज है वो 20,848 करोड़ का है अभी। और पेग रेशियो देखें तो 0.91% है। तो पीजी रेशियो के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो अगर 1 के नीचे है पीजी रेशियो तो उसकी वैल्यूएशन ठीक मानी जाती है। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो कंपनी ठीक दिख रही है। हम कोशिश करते हैं अभी सेल्स ग्रोथ देखने की। अगर सेल्स हम देखें 2009 से और मार्च 2020 तक, तो बहुत, मतलब आप 6,507 करोड़ के सेल से डायरेक्टली 41,833 करोड़ का सेल है। अगर हम देखें तो सेल्स में जो ग्रोथ है वो कंस्टेंटली हुई है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अप ट्रेंडिंग है। जैसे कि पहले 16%, फिर 9%, फिर 92%, फिर 35%। अगर हम देखें तो 2007 में 0.88%, और अभी हम लोग मार्च की बात करें 2019 की, तो 33% और वापस। पर कंस्टेंटली से अगर आप देखें तो ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ है वो प्रॉपरली होता जा रहा है। एक्सपेंस भी आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस किस तरीके से है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, आप वीडियो स्टॉप करके प्रॉपरली अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो हम 2009 में देखें तो 978 करोड़ था, और अभी वो 5,986 करोड़ है। मतलब अगर हम नेट प्रॉफिट में देखें 2009 से अगर कंपेयर करें तो 600% का ग्रोथ है, और उसी तरीके से 600% का सेल्स में भी ग्रोथ है। अच्छी तरीके से हम लोग वीडियो स्टॉप करके अर्निंग क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन क्या है, इंटरेस्ट क्या कंपनी दे रही है, जिस तरीके से कंपनी ने अपने डेप्ट को बढ़ाया है उसी तरह से इंटरेस्ट बर्डन भी कंपनी पे बढ़ा है। मगर हम लोग डेप टू इक्विटी रेशो की हमने बात की तो उसके हिसाब से जस्टिफाई है, कोई दिक्कत नहीं है इस कर्ज में। आप वीडियो स्टॉप करके अच्छी तरह देख सकते हैं। और नए नए प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कर रही है हर जगह, जैसे बिरला वाइट पुट्टी है, और आगे भी आप देखें तो कुछ ना कुछ वो प्रॉपरली यूज़ करते रहेंगे। और एक उन्होंने एक इनिशिएटिव चालू किया है, स्टडी में हमने एक देखा कि अगर किसी को घर बनाना है तो उस घर में क्या क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए, उसका भी वो प्रॉपरली नॉलेज दे रहे हैं लोगों को, तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। और हम देखें कि अगर सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर जिसका है, जैसे कि 21.2% हमने कहा अगर इंडिया में,
और अगर उनके कंप्यूटर डायरेक्टली 6% पे हैं, सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी बेहतरीन है, तो आने वाले टाइम में अगर यहाँ से अगर डबल होता है डिमांड सीमेंट का, जैसे कि हमने देखा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है एफोर्डेबल हाउसिंग की और बाकी सब चीज़ों की, तो यहाँ से जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी बेहतर रहेगी अल्ट्राटेक सीमेंट की। अगर हम बात करें तो लास्ट दो साल में ही अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने अपने कैपेसिटी को 26.4% मैट्रिक टन से बढ़ा लिया है, मतलब 113 मैट्रिक टन वो प्रोड्यूस करता है, जिसमें दो साल में वो 26 मैट्रिक टन को उन्होंने बढ़ाया हुआ है। तो आने वाले टाइम में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो अल्ट्राटेक सीमेंट की ये ताकत है कि वो प्रॉपरली अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जो अभी उनकी यूटिलाइजेशन है वो 70% पे उनका जितनी भी फैक्ट्रीज है यूटिलाइज अपने आप को कर रही हैं, मतलब आगे भी अगर आप देखें तो सेम फैक्ट्रीज है वो और भी 30% उनका है कि अगर डिमांड बढ़ेगा तो उस तरीके से वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और डिमांड और सप्लाई को फुलफिल रख सकते हैं। अगर हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, कंपनी के बारे में थोड़ा सा भी अगर अपडेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि वो अच्छी तरह अल्ट्राटेक सीमेंट के बिजनेस मॉडल को समझ पाए, किस तरीके से कोई कंपनी ग्रो करती है उसको समझ पाए। धन्यवाद, नमस्कार।